तो क्या चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं आगे? सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार बनी है जो कि अपना सिर्फ पॉकेट भरना चाहते हैं। बीच मैंने आपसे स्थिति पूछा कि जो नौकरियां निकली थी पहले, उन नौकरियों पे सारा चीज हुआ लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ, तो क्या उन लोगों को नियुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं? ये उनका हक है कि नहीं है? अगर सीधे तौर पे कहा जाए, अगर वो सही मायने में अगर वो परीक्षा को पास किए हैं तो उन्हें तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है, ये माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन सर जी का मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और उनका एग्जाम अगर पास किए हैं तो उनकी नियुक्ति जरूर से जरूर किया। हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि नौकरी देने का, वो तो अभी तक क्या बोले हैं, अभी तक तो एक भी वैसा कोई कदम नहीं उठाए हैं, ना कुछ किए हैं। कहानी तो खत्म, पार हो गया, अब देखते हैं 4 साल में क्या होता है। ये है रांची के युवा साफ साफ कह रहे हैं कि कहानी खत्म हो गया हेमंत सरकार का, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो 4 साल खाली वेट करेंगे कि कट जाए। आपको क्या लगता है कि झारखंड के युवाओं को ठगा गया कि नहीं 5 लाख का लॉलीपॉप देके? झारखंड के युवाओं को जो है भैया, सीधे हिसाब से मैं कहूँ तो एड़ा बन के पेड़ा खिलाया गया। हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि नौकरी देने का, वो तो अभी तक क्या बोले हैं, अभी तक तो एक भी वैसा कोई कदम नहीं उठाए हैं, ना कुछ किए हैं युवाओं के लिए, ना अब करने वाले हैं उसका भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 1 साल तो बीत गया, 1 साल आगे 4 साल जो बचा हुआ हेमंत सरकार का, उस समय में हेमंत सरकार क्या युवाओं के लिए कुछ करेगी या ऐसे ही 4 साल बीत जाएगा? वो तो पता नहीं, लेकिन जब उनको भी तो आके एक बोल देना चाहिए, या तो मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बोल देना चाहिए कि इतना दिन तक या तो वैकेंसी निकलेगी या अब आने वाली है, या इतना दिन के बाद हम लोग निकालने वाले हैं वैकेंसी। अभी मिथिलेश झा जी जो एक मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो हेमंत सोरेन है उन्होंने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि हेमंत सरकार ने वो वादा नहीं किया था? तो उसको बोलिए कि हम लोग जो बेरोजगार मोराबादी में इतने कोई जुलूस में है, रैली में निकाल रहे हैं, उसको आके वहाँ पे आके बोलिए ना कि उसको हम लोग प्रूफ दिखाएं, आके बोलिए हम लोग प्रूफ उसको दिखाते हैं। आप झारखंड के युवा हैं, आप इस बात को मानते हैं कि हेमंत सरकार ने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जितना लोग काम कर रहे हैं सबको हमेशा के लिए परमानेंट कर देंगे, ये चीज जो है वो कहा गया था कि नहीं कहा गया था? ये चीज कहा गया था, और इसी के लिए वोट मिला था कि नहीं मिला था? इसी जब रघुवर दास थे, रघुवर दास थे तो इसी जो जेपीएससी को लेकर विवाद हो गया उसके लिए यही सोच के हेमंत सोरेन को चिताया गया था कि अब युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, नई नई वैकेंसियाँ निकालेंगे जो रिक्त हैं उसके लिए वैकेंसी, जो 20 साल बीत रहे हैं अभी तक किसी ऐसा डिपार्टमेंट है जो उस आज तक उसके लिए एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो ये नाम क्या है? विजय कुमार। क्या करते हैं? मैं अभी CA के अंडर में काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात जो युवाओं के लिए झारखंड में बन रहा है सही है कि आगे जाके युवा जो है वो सड़क पे आने वाले हैं? सड़क पे ही आने वाले हैं। कैसा आने वाले? अभी मैं खुद कर रहा हूँ तो मुझे ही पता चल रहा है कि जितना मुझे पे मिलना चाहिए उसके अनुसार मुझे मिलता नहीं है। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ वैसा वैकेंसी हमको मिल नहीं रहा है कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ एग्जाम, तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है अब। सरकार ने एक चीज कहा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आपको क्या लगता है कि सरकार दे पाएगी 5 लाख युवाओं को रोजगार? ऐसा स्थिति में तो नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि 5 लाख तो ठीक है, एक नंबर देके युवाओं को वोट ले लिया गया, आपको क्या लगता है कि ठगा गया कि नहीं युवाओं को? साफ साफ कहिए, युवा वोट देके ही जिताए इस सरकार को, काहे के लिए जिताए कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे ये कहा गया था, और जितने भी अनुबंध कर्मी है सभी को परमानेंट कर लेंगे, जितना लोग का नियुक्ति मतलब एग्जाम हुआ था ठीक है सरकारी बहाली, उन लोग का नियुक्ति करेंगे, ये बात हेमंत सोरेन जी खुद अपना मुख से कहे थे कि करेंगे, तब सब युवा लोग वोट दिया, तो क्या कहना चाहते हैं आप? बस 1 साल हो गया, कहानी तो खत्म, पार हो गया, अब देखते हैं 4 साल में क्या होता है। ये है रांची के युवा साफ साफ कह रहे हैं कि कहानी खत्म हो गया हेमंत सरकार का, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो 4 साल खाली वेट करेंगे कि कट जाए, तो हेमंत सरकार को सोचना चाहिए कि जो युवा जो है वो वोट देकर आपको जितवाए हैं आज माथा पकड़ के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बस समय कट जाए, मतलब आप तो राज भोग रहे हैं और युवा लोग जो है वो झारखंड में बैठकर भीख मांग रहा है, और मोराबादी मैदान जो है वो एक प्रदर्शनी का ग्राउंड बन गया है जहाँ पे आपको युवा जो है वो हमेशा दिखते रहेंगे, और हेमंत सरकार जो है साफ कह देती है कि युवा लोग जो है तो पूरा इंडिया में जो है नाम खराब कर रहा है झारखंड का। अरे हम लोग के पास अगर रोजगार नहीं रहेगा, खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे? मोराबादिया मैदान में जाकर बैठेंगे? आप दीजिए नौकरी, आप बोले थे 5 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे, आप दीजिए नौकरी, हम लोग कहाँ जाएंगे मोराबादी मैदान में बैठ? आप पहले जितना लोग का भर्ती हुआ है, जितना लोग का बहाली हुआ, सही कह रहे हैं कि नहीं, जितना लोग को सरकारी नौकरी मिल चुका है उतना लोग को नियुक्ति दे दीजिए कम से कम, सबसे ज्यादा तो वही लोग जाकर मोराबादी मैदान में बैठा फिरता है। क्या कहना चाहते हैं, आगे कुछ उम्मीद है सरकार से? देखिए 4 साल अभी है उनके हाथ में, चाह रहे हैं बेटर करें कुछ हम लोग के लिए। चलिए सोचे, आप अभी भी उम्मीद रखे हुए? अभी उम्मीद है थोड़ा, क्या कि अभी भी अब 1 साल तो हमारा कोरोना के कारण भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है, तो इसलिए
हम भी चाह रहे हैं कि अब अभी कोरोना के कारण ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, ठीक है मानते हैं, आपको हम एक बात यही समय था नौकरी देने का, यही समय था नौकरी देने का। और सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत जन बेरोजगार हो गए थे ना, जितना लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे झारखंड में, वहाँ पे क्या है कि सबसे काम करवा लिया गया, और काम करवाने के बाद आज का डेट में क्या है कि उन लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा लाखों इंजीनियर लोग हैं जो झारखंड में भटक रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लोग का हालत इतना खराब है कि उन लोग से काम करवा लिया दौड़ा दौड़ा के सरकारी स्टाफ जैसा, और उसके बाद जब उन लोग कोरोना में पूरा खट दिया जाना पड़ता था जब बाहर कोरोना में सब आदमी को लाने के लिए, तो यही कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टाफ लोग रहता था जो लोग कोरोना का परवाह ना किए भी अगर चल जाता था बाहर और सबको ला रहा था कोरोना जैसा समय पर। और आज क्या बोलता है कि आप लोग अपना घर पर बैठिए, आप लोग का जो नौकरी है वो खत्म हो गया है, ना एक्सटेंशन दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का उनको आगे कुछ किया जा रहा है। अब बताइए कि आप तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं, अगर किसी का उम्र खत्म हो गया उसके बाद वो कहाँ घूमेगा, आप नौकरी से निकाल देते हैं तो उन लोगों को तो प्राइवेट नौकरी जाके करना पड़ेगा, तो क्या फायदा आपके यहाँ जब नौकरी करने का आपको फायदा नहीं दे रहे हैं, तो हमसे 2 साल और 3 साल और 5 साल काम करवा के हटा लीजिएगा तो कोई फायदा बचा फिर? आप तो हमको फिर वही बेरोजगारी वाला हालत कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, व्यवसाय करते हैं तो मौजूदा समय में जो सरकार है व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ काम कर रही है युवाओं के लिए? आप भी एक युवा है और आपको लगता है कि आने वाले समय में युवाओं का कोई भविष्य नजर आ रहा है झारखंड में ये सरकार के दरमियान? देखिए सबसे पहली बात यह कि अभी जो झारखंड में गवर्नमेंट बनी, इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो है झारखंड का नाम खराब किया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, अभी ये गठबंधन की सरकार चल रही है, महागठबंधन, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता है ना करने दिया जाता है इनको, ये कठपुतली। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये बात सामने आ रहा है कि जो है वो मुख्यमंत्री है महोदय है, उनके अलावा कोई है नहीं। एक साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, इनके मंत्रालय में सफाई भी दी जाती है कि भैया कोरोना काल था, अगर भाजपा की भी गवर्नमेंट रहती तो एक साल में जो इतना सक्सेस नहीं कर पाती। हमने एक साल बेमिसाल का प्रस्ताव रखा, हेमंत सरकार जी ने जैसे कहा था मोरवादी में कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने उपलब्धि बताई। मैं मानता हूं कि उन्होंने जितना भी वादा किया था, हम खास करके हम युवाओं से, आप एक उपलब्धि बता सकते हैं मौजूदा हेमंत सरकार की? सिर्फ एक उपलब्धि? कोई उपलब्धि नहीं ना, तो यही बात है कि कोई उपलब्धि ही नहीं है मौजूदा सरकार की। कोरोना काल जैसे समय में जो था माननीय मुख्यमंत्री जी को युवाओं को नौकरी देने का पूरा मौका था, एक साल तो ऐसे ही गुजर गया। आज जो है मुख्यमंत्री साहब कहते कि 5 लाख को मैं नौकरी दूंगा, कहाँ नौकरी दीजिएगा भैया? अच्छा आपको क्या लगता है कि झारखंड के युवाओं को ठगा गया कि नहीं 5 लाख का लॉलीपॉप देकर? झारखंड के युवाओं को जो है भैया सीधे हिसाब से मैं कहूँ तो एड़ा बन के पेड़ा खिलाया गया है। चलिए सही बात आपने कहा है, और युवा जो है वो ये मान रहे हैं और सभी युवा ये कह रहे हैं कि 5 लाख का लॉलीपॉप पकड़ा के, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का लॉलीपॉप पकड़ा के झारखंड सरकार ने जो है वो युवाओं को ठग लिया है। तो क्या चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं? आगे सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए क्योंकि ये ऐसी सरकार बनी है जो कि अपना सिर्फ पॉकेट भरना चाहते हैं। बीच बगल में ही मारवाड़ी कॉलेज रांची है और ये वहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। खास बात यह है कि ये वहाँ के छात्र नेता भी रह चुके हैं और हमने बात की तो इन्होंने बताया कि ये अभी सरकारी सेवाओं की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा पे करना है बात और ये खुद भी रोजगार ढूंढ रहे हैं और छात्रों का प्रतिनिधित्व ये कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ये। तो सूरज जी क्या कहना है आप पे, जो युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं मोरहाबादी मैदान में, दिन पर दिन आंदोलन चल रहा है, जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम पास कर चुके हैं और फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। सोचिए कि आपको 2015 में एक नौकरी मिल जाए जिसमें आपका सारा निकल जाए, रिटर्न निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, और उसके बाद जो है 6 साल हो जाए और आपको नियुक्ति नहीं मिले, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद आपको विवेक जी, आप जो हमारे आप आए हमारे युवाओं के बीच में इस मुद्दे को लेकर के समक्ष बोलने के लिए, मुझे बोलने का अवसर मिला। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, दोनों की नाकामियों का मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर अगर आप डायरेक्टली तौर से अगर बोले हेमंत सरकार की, तो मैं हेमंत सरकार के मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तो एक बात बताइए कि ये जो झारखंड में पंचायत सचिवों का मुद्दा है, चाहे जितने भी सरकारी कर्मी जो लोग को सरकारी नौकरी हो चुका है लेकिन फिर भी उनको नियुक्ति नहीं मिला है, तो ये क्या हेमंत सरकार का मुद्दा नहीं है, झारखंड सरकार का मुद्दा नहीं है? जी देखिए, आप एज ए मतलब देखा जाए तो आप सेपरेटली मतलब कि आप किसी एक पर्सन को आप इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। नहीं तो मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जब सरकार का ये काम बनता है कि जिन युवाओं का परीक्षा जो युवा पास, आपके साथ ऐसा होता तो आपको क्या कैसा लगता? आपसे मैं एक सवाल जो है वो पूछ रहा हूं कि अगर आपको 2015-16 में आपने कोई सरकारी नौकरी निकाल ली होती और आज 2021 चल रहा है अभी तक आपको नियुक्ति नहीं मिलता, आप भटक रहे होते, तो आपको कैसा लगता है ये चीज़ बताइए? ये चीज़ तो झारखंड में ही हो रहा है, ऐसा तो सब जगह नहीं होता है, आप ही बताइए ये चीज़। जहाँ तक कि मेरा जवाब है, आपने कहा क्या कि 2015-16 में, ठीक है, और सबसे पहली बात बड़ी बात तो सबसे मेन मोटिव है इस बात को लोग आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात 2015-16 में जेएमएम की सरकार नहीं थी, सबसे पहली बात, और आप उसको डायरेक्टली तौर से आप उसको नहीं अप्रोच कर सकते हैं कि इस
विरोध के पीछे जेएमएम का हाथ है, क्योंकि जहां तक कि मुझे लगता है इसके पीछे बीजेपी के भी सबसे बड़ी षड्यंत्र है। रघुवर दास सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास सरकार की सरकार थी, जहां तक कि मुझे लगता है कि इस सरकार के पीछे ये बात नहीं है कि जेएमएम ही अगर देखा जाए तो अकेला दोस्त है, इसके पीछे कांग्रेस भी दोस्त है, इसके पीछे बीजेपी भी दोस्त है, इसके पीछे आसू भी दोस्त है। नहीं तो आप किसी एक पार्टी को अगर आप दोनों दोस्त देना चाहेंगे ये तो आपका गलतफहमी हो जाएगा। नहीं नहीं, तो मैं किसी को दोस्त नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिसका जो काम है वो तो काम करना चाहिए। बीजेपी सरकार थी, उन्होंने रोजगार निकाला, उन्होंने नियुक्तियां निकाली, भर्तियां निकाली, भर्तियां हुई, प्रोसेस चालू हुआ, धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट होते गया, सारी चीजें हो गई और वो सरकार चली गई। ठीक है, सब चीज़ हो गया और सरकार चला गया, तो क्या जो नया सरकार आएगा वो जो लोग का नौकरी मिल चुका है, मतलब जो लोग का बहाली हो चुका है, जो लोग एग्जाम पास कर चुके हैं, जिनका नाम निकल चुका है, वो लोग को रोजगार नहीं देगा, वो लोग को नौकरी में नहीं रखेगा? ये किसका काम बनता है? ये पिछला सरकार का काम बनता है उन लोग को नौकरी देने का? जहां तक कि आपका जो अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने ये नौकरियां निकाल के गलती कर दी? जहां तक कि मुझे ये लगता है कि पिछली सरकार की भी नाकामियां है और जो सरकार अभी फिलहाल में जो चल रही है झारखंड में जेएमएम महागठबंधन की सरकार, वहां तक कि मैं इस सरकार को भी मैं दोषी ठहराना चाहता हूं। मैं मानता हूं इस बात को, मैं सही तौर से मैं थरा बताना चाहता हूं कि जहां तक कि माननीय रघुवर दास सरकार में दरोगा बहाली के एकाएक प्रोसेस, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे मित्रगण भी उसमें सम्मिलित हुए थे और बहुत लोग मतलब क्या दरोगा की नियुक्ति भी हुई, वो मैं मानता हूं कि रघुवर दास सरकार में मतलब क्या अगर देखा जाए, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से की तुलना अगर की जाए माननीय रघुवर दास की, तो इससे बेहतर अगर देखा जाए तो इससे बेहतर मुझे काम रघुवर दास सरकार की लगी है। देखिए कहीं इस बात को लेकर मैं सहमत हूँ, लेकिन बरसाते इस बात को लेकर के मैं दोषपूर्ण रघुवर सरकार की मैं देना चाहूंगा कि जिन्होंने उन्होंने भी कहा था कि मैं भी नौकरियां दूंगा, मैं भी ये करूंगा, तो वो अपनी पूरी वादा पे अपनी पूरी वादा नहीं निभा पाए। उन्होंने तो नौकरियां निकाली, सहायक पुलिस, उनका तो साफ साफ कहना सहायक पुलिसकर्मी उन्हीं का दिया हुआ है, फिर से ये जो जितनी भी सारी परीक्षाएं हुई 2015-16 ये सब तो उन्होंने ही किया ना, पहले कहां था ये सब, कहां था सहायक पुलिसकर्मी लोग, वही लोग था शिक्षकों की बहाली वही लोग किया। जहां तक कि मेरा बात है, आपने अभी क्या कहा 2015 में जहां नियुक्ति हुई सहायक कर्मियों की, सबसे पहली बड़ी बात 2015 में जेएमएम की सरकार नहीं थी, झारखंड सरकार में बीजेपी की सरकार, मैंने वही ना किया, आसू की सरकार चली थी। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप, बीजेपी और आसू की सरकार चल रही थी। जहां तक कि मैं बता देना चाहता हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो, आपको भी पता है राजनीति सब जगह राजनीति है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सरकार में बहुत लोगों को नौकरी मिल गई, चाहे दरोगा बन गया, तो ऐसा नहीं है, वहां पे भी भ्रष्टाचार था और यहां पे भी भ्रष्टाचार है। सरकारें आएगी सरकारें जाएंगी, मगर ये देश जो है चलता रहेगा। ये हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दो शब्द था जो मैं आप लोगों को समझ करना चाहूंगा। तो आपने सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश चलता रहेगा। लेकिन मगर आपने तो फिर इस चीज का गोल गोल जवाब दे दिया। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे स्थिति पूछा कि जो नौकरियां निकली थी पहले, उन नौकरियों पे सारा चीज हुआ लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ, तो क्या उन लोगों को नियुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं, ये उनका हक है कि नहीं है? अगर सीधे तौर पर कहा जाए, अगर वो सही मायने में अगर वो परीक्षा को पास किए हैं तो उन्हें तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। जहां तक कि मेरी राय है, ये माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन सरदे का मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और उनका एग्जाम अगर पास किए हैं तो उनकी नियुक्ति जरूर से जरूर किया। दोस्तों अभी आपने देखा, सभी युवाओं को देखा सुना और समझा भी। दोस्तों ये झारखंड के युवा है और रांची के युवा है, मैंने इनसे रोजगार के संबंधित सवाल पूछे और बस मैंने यही पूछा कि जो सरकार ने लॉलीपॉप दिखाया था 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का, क्या उन्हें मिला है? साथ में मैंने ये भी उनसे पूछा कि क्या उनको आगे उम्मीद है, जान जो भी इनके आंसर थे वो अभी आपने सुना। लेकिन एक सवाल जो है वो अपना छाप छोड़ के चला गया ये पूरा इंटरव्यू में। वो सवाल था कि एक उपलब्धि मैंने बताने को कहा सभी युवाओं को कि आप एक उपलब्धि बताइए मौजूदा झारखंड सरकार की, किसी भी युवाओं के पास जवाब नहीं था। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई सरकार जो है वो एक साल से ज़्यादा चल जाता है लेकिन वो अपनी एक उपलब्धि भी जनता उसकी नहीं बताने पाती है, तो एक तरह से हम कहें तो कोई भी काम नहीं हुआ है। ये जो युवा है उन्होंने खुद ही बता दिया।